मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय हाई जंपर तेजस्विन शंकर की, जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स में कम्पीट करने पर लेकर काफी कुछ आजकल न्यूज में चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तो 6 जुलाई यानी कि बुधवार को ये खबर सामने आई थी कि तेजस्विन शंकर को भारत के कंटिंजेंट में ऐड कर लिया गया है फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जिसको लेकर वो भी काफी खुश थे। लेकिन एक और नया ट्विस्ट हमें इस खबर में देखने को मिला। इस चीज को लेकर कल के दिन ये खबर सामने आई है कि तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में आप सभी को कम्पीट करते हुए नहीं नजर आएंगे। जी हाँ, वो इंडियन कंटिंजेंट एथलेटिक्स कंटिंजेंट का हिस्सा नहीं है। ये बताया गया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यह सामने रखा था कि क्वार्टर माइलर अरोकिया राजीव की जगह एज अ रिप्लेसमेंट तेजस्विन शंकर को इंडियन कंटिंजेंट में ऐड कर लिया जाए, लेकिन बर्मिंगम की जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है उन्होंने इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद अभी तक यही अपडेट है कि तेजस्विन शंकर आप सभी को कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं नजर आएंगे। उनका ये बर्मिंगम जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है उनका ये कहना है कि अगर रिप्लेसमेंट कोई भी देश चाहता है तो वो सेम इवेंट में होना चाहिए, जैसे कि अरोकिया राजीव 4x400 मीटर रिले में कम्पीट करने वाले थे, तो जो रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस खिलाड़ी को ऐड करना चाहता है भारत, वो भी इस ही इवेंट में होना चाहिए। लेकिन वहीं तेजस्विन हाई जंप के अंदर कम्पीट करते हैं, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, तो इसी वजह से ये जो फैसला लिया गया है कि तेजस्विन शंकर अब कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जा पाएंगे। यानी कि परसों जहां तेजस्विन मुझे लगता है काफी खुश हुए होंगे इस फैसले को लेकर, कल के दिन उनकी वो खुशी जरूर निराशा में बदल गई होगी। तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की खबर आप सभी के लिए। बाकी इसके रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है तो वो लेकर हम आप सभी के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। तो बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई खबर जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।